गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा आज हम नई बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए एक पत्र। तो इसमें बिफोर यू रीड देख लेंगे हम, एक्टिविटीज को हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर, यानी मनी ऑर्डर का जो एक परफॉर्मा है, स्ट्रक्चर है, वो हमें दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग सीधा चैप्टर पे चलते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यानी कि एक घर है पूरे की पूरी घाटी में, सिर्फ एकमात्र घर जो कि कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ी है उसके टॉप पे स्थित है। From this height, इस ऊंचाई से one could see, कोई भी व्यक्ति देख सकता है the river, नदी को, and the field of ripe corn, dotted with the flowers. और साथ ही साथ किसको, कॉर्न के, जो पके हुए कॉर्न जो होता है, मक्का जो होता है, उसके जो खेत हैं, जहां पे जो हमें फूलों से डॉट टाइप के दिखाई प्रतीत होते हैं, ये हम आराम से उस पहाड़ी पे से देख सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और जो हमें सीन दिख रहा है नदी का, इसके अलावा हमें पके हुए, जो पकी हुई फसल है मक्के की, वो सब हमें दिख रही है। इस सब से हमें क्या दिखाई देता है कि हाँ, इस बार अच्छी फसल होने वाली है, या फिर ये दृश्य हमें एक अच्छी फसल का क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पॉर और एटलीस्ट अ शार। अब एकमात्र चीज जो पृथ्वी को चाहिए वो क्या है, वो डाउन पॉर है, यानी कि हल्की सी बारिश। डाउन पॉर मतलब बारिश है ना, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर केवल एक छोटी हल्की सी बारिश ना, कम बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट द सी स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, जो लेंचो नाम का यहाँ पे एक कैरेक्टर है, वो पर्सन है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को काफी अच्छे से जानता है, Had done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया है या वो कुछ करता भी नहीं है, else but see the sky towards the north east, सिर्फ क्या करने के अलावा, सिर्फ वो north east दिशा में अपने यहां से खेतों में से या खेतों की साइड से north east दिशा में देखता है आसमान की ओर, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है। Now we are really going to get some water, women, और यह व्यक्ति जो है लेंचो, यह हो सकता है उसकी वाइफ के लिए यहाँ वुमेन उसने बोला हो, आई थिंक वही होंगी, आगे देखते हैं और कौन है। तो ये क्या बोलता है महिला से कि हम लोग निश्चित रूप से ही कुछ हमें पानी मिलने वाला है, यानी कि थोड़ी बहुत या कुछ मात्रा में बरसात होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, महिला जो कि खाना बना रही थी है ना, रिप्लाइड उसने क्या उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान चाहता है। सफर का मतलब खाना तो होता है, लेकिन किस समय का, ये आपको खुद को सर्च करके और बताना है मुझे, ठीक है, चाहे से आप ग्रुप में भेजें या कैसे भी बताना मुझे, आप सर्च कीजिएगा खुद। द ऑर्डर द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, यानी बड़ा लड़का है, वो क्या कर रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द Women called them all. और जो छोटे वाले हैं, जो यानी कि बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, और जो छोटे वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने घर के पास में ही खेल रहे हैं। और वो कब तक खेलते थे, जब तक कि उनको उनकी माताजी जो भी हैं, women, I think माताजी के लिए कहा गया है, तो जब तक वो उन्हें आवाज नहीं देंगी तब तक वो वहीं पे खेलते रहते थे। Now we are really going to get some water, women. वेमन महिला अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें आवश्यक रूप से हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है, अर्थात वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, महिला जो कि खाना बना रही थी, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान भी शायद यही चाहता है, भगवान की भी यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस,
और जो छोटे वाले बच्चे थे या छोटे थे उम्र में, वो घर के पास में ही खेल रहे थे। कब तक? Until the women called to them all, जब तक कि महिला उन सभी को बुलाए ना, तब तक वो खेलते ही रहते थे। Come for dinner, और बुलाते भी किस चीज के लिए थी? खाना खाने के लिए। It was during the meal that, यह उस खाना खाने के समय की बात थी। Just as Lancho had predicted, उसी समय लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या भविष्यवाणी की? Big drops of rain began to fall, तभी क्या हुआ, जो बरसात की बड़ी बूंदें थी वो गिरनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसी समय जो नॉर्थ ईस्ट दिशा थी, उस नॉर्थ ईस्ट दिशा में बड़े बड़े पर्वत नुमा आकृति के काफी विशालकाय जो क्लाउड्स थे, बादल थे, उनको अप्रोच करते हुए आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो काफी ताजी थी, एंड स्वीट, और काफी मीठी थी, यानी कि सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो व्यक्ति था वो घर के बाहर निकला बिना किसी रीजन के, और वो निकला किस चीज के लिए था, वो सिर्फ उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस करने की खुशी को प्राप्त करना चाहता था, यानी कि वह उन बारिश की जो बूंदें पड़ रही थी उनको अपने शरीर पर महसूस करके आनंदित होना चाहता था, इसलिए वह घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वापस आया लौट करके तो वो चिल्लाया, क्या? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो बारिश की बूंदें गिर रही है ये क्या है, बारिश नहीं है, जो पानी गिर रहा है ऊपर से वो बारिश नहीं है। दे आर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, वास्तव में ये क्या है, ये वास्तव में नए नए सिक्के हैं। पानी यानी कि पानी की बूंदों को वो क्या कह रहा है, सिक्के कह रहा है, नए सिक्के कह रहा है। क्यों कह रहा है, आगे लगेगा पता। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और क्या कहता है आगे, कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे है ना, ये 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदे हैं पानी की वो 5 सेंट के बराबर है। ऐसा वो क्यों कह रहा है, क्योंकि बारिश से क्या होगा, अच्छी फसल होगी, मक्का जो उनके खेतों में हो रहा है वो अच्छा होगा तो उनको दाम अच्छा मिलेगा, तो इसलिए उसने उन पानी की बूंदों की तुलना सीधे सीधे पैसे से कर दी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि काफी संतुष्टि वाले हाव भाव के बाद, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, हुआ क्या, जब उसके चेहरे पे हाव भाव किस टाइप का था, संतुष्टि का था, क्योंकि बारिश हो रही थी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने अपने जो पके हुए मक्के की जो फसल है उसके जो फ्लावर्स है उसकी क्या की, उसको रिगार्ड किया, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, और जल्दी क्या हुआ, लेकिन वो सब यानी कि उसने, किसने, लेंचो ने जब देखा कि बारिश की बूंदें अच्छी हो रही है और ये बारिश की बूंदें सीधा सीधा उसे प्रॉफिट देंगी फसल में, तो उसने देखा कि इन्हीं बारिश की बूंदों ने क्या किया है, उन फसलों को, उस पूरी फसल को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक काफी मजबूत, काफी तेज हवा आई और बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और अब आगे क्या हुआ, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बारिश तो आई रही थी, तेज हवा आई रही थी, साथ ही साथ अब हेलस्टोन्स, ओले भी गिरने स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तविक रूप से नए नए सिल्वर कॉइन्स जैसे प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि अभी स्टार्ट हुए ना, इसलिए उनको ये भी सिल्वर कॉइन जैसे प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे थे उन्होंने खुद को रेन में एक्सपोज कर दिया, यानी कि बाहर आ गए, बारिश में बाहर आ गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो क्यों आए थे, ताकि वो बाहर आकर के उन जमी हुई जो ओस है जिसे हम ओले कहते हैं उसे वो कलेक्ट करना चाहते थे, उन ओले की जो पर्ल्स थे, जो मोती थे, मोती रूपी जो ओले हैं उनको वो कलेक्ट करना चाहते थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब जब वो ओले अत्यधिक बरस रहे थे, बहुत ज्यादा बरसने लगे, तो जो व्यक्ति है लेंचो वो चिल्लाया, क्या,
कि ये तो अब बुरा होता जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. और वो कहता है कि मुझे आशा है कि ये सब कुछ जल्दी ही गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये सब जल्दी से नहीं गुजरा. फोर एन आर द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली. यानी कि ये जल्दी से खत्म नहीं हुआ. फोर एन आर, एक घंटे तक जो ओलावृष्टि थी वो घर पे गार्डन में हिल साइड यानी कि जो वैली का पहाड़ी वाला एरिया था वहां पूरे पहाड़ी वाले एरिया में कॉर्नफील्ड मक्के के खेतों में ऑन द होल वैली और तो और पूरे के पूरे उस घाटी में यानी कि हर जगह ये एक घंटे तक लगातार होती रही. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. और जब ये बंद हुआ एक घंटे बाद तो जो खेत थे वो एकदम सफेद हो गए थे मानो कि वो किससे ढके हुए हों, नमक से ढके हुए हों. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहां तक कि इस पेड़ों पे सिंगल ट्री भी सिंगल पत्ती तक नहीं बची, सब कुछ झड़ गया. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के की जो खेती थी वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो पेड़ों पे फूल लगे हुए थे वो भी सारे गए यानी गिर गए थे. लैंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो जो व्यक्ति था उसकी जो आत्मा थी वो किससे भर गई, दुख से भर गई. When the storm had passed, अब जब ये पूरा तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field. वह खेतों के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया. And said to his sons, और अपने बच्चों से कहा, क्या कहा? A plague of locust would have left more than this. कि यदि टिड्डियों का एक झुंड या टिड्डियों का झुंड होता है जो एक जो कि एक बीमारी की तरह ही होता है, अगर वो भी हमला करता तो उनसे शायद ज्यादा बच जाता बजाय इसके. यानी कि उसने क्या किया है, कंपेयर किया है कि अगर टिड्डी खेत पे हमला करते हैं तो उनके हमला करने के बाद में भी जो फसल बचती है थोड़ी बहुत वो ज्यादा बच जाती बजाय अब जो बची है उसके. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलावृष्टि से कुछ भी नहीं बचा हुआ है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिल्कुल भी मक्का नहीं मिलने वाली है. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो रात्रि थी वो बड़ी दुख भरी थी. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, उन्हें क्या लगने लगा कि हमने जो मेहनत की है उसका हमें अब कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब लोग इस साल भूखे ही रहने वाले हैं. तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.